Standing there, na? Good to you. And I should have gone away. Oh my God, the Miram, the Seth, Diana, and Genesalagia, Chatsu, and Militam Jena, that's my three, Guravi Nama, Guravi Gaura Chandra, Radhika, Yastadale, Krishna, Krishna Bhaktaya, Tad Bhakta, Namo Namo, Vancha Kalpuru Vesa. Kripa Sindhu Bhai Vacha Patitanang Pavane Bho Vaisnavi Bho Namo Namo Nama Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratu Se Namo He Krishna Karuna Sindhu Dina Vandhu Jagatpate Gopi Sahagupita Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhayana Sute Devi Pranamani Hari Priya Vrindai Tulasi Devtai Priya Ai Kesava Sacha Krishna Bhakti Prada Devi Satyavatai Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Balahari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Nitalila Prabhishnam Vishnu Pad Ashtodara Satya Sri 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 Mat Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charna Kamal Mein Anant Koti Sashtang Dandavat Pranam Karta Tat Paschat Mere Sikhya Guru Pad Padma Nitalila Prabhishnam Vishnu Pad Ashtodara Satya Sri 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 Mat Bhakti Vedanta Sri La Narayana Goswami Maharaj Ke Charna Saraj Mein Shraddha Pushpanjali Arpan Karta उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ क्या उसमें ट्रांसलेशन कर रहे हो किस किसको ओह कृष्ण हाँ गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब कृष्ण रास्व से अंतर ध्यान हो गए गोपियाँ जमुना किनारे में बैठ करके रो रो करके श्याम सुंदर को बुला रही गोपियों ने देखा भगवान को संतुष्ट करना हो इसका सबसे सरल उपाय है भगवान की नाम संकीर्तन से कृष्ण जितने जल्दी संतुष्ट होते हैं और कोई उपाय नहीं उनको संतुष्ट करने का इसलिए और शास्त्र में बताए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नयनम गलदस्त्र धारया बदनम गदगद रुधया गिरा पुलकैर निचितं बपु तदा तव नाम ग्रहणी भविष्यति चैतन्य महाप्रभु कहते कब ऐसे दिन आएगा भले कौन सा दिन है भले जब तुम्हारे नाम को ग्रहण करते हुए आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए और गला गदगद रुद्ध आया मतलब गला रुद्ध हो जाए गदगद हो जाए और हृदय की जो रोंगटे खड़ी हो जाए हैं और तुम्हारी नाम में हम रोने लग जाए इसलिए बोले अगर कलयुग में भगवान को पाना है बोले भगवान सबसे जल्दी कैसे मिलेंगे तब श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो रोना सीखो जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक मैया दूध नहीं पिलाती इसलिए जब तक हम भगवान को रो रो करके नहीं पुकारेंगे तब तक भगवान हमारे ऊपर में संतुष्ट नहीं होंगे इसलिए रोना सीखनी चाहिए इसलिए कहते हैं जो गोपी गीत है मान ये गोपियाँ रो रो करके श्याम सुंदर को कीर्तन के द्वारा भगवान को पुकार रहे हैं श्याम सुंदर हे कृष्ण हमें दर्शन दो और तुम्हारी जो विरह रूपी हाँ जो ज्वाला में जो हम दग्धीभूत हो रहे हैं हमें तुम इससे निकालो इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे गोपियाँ कह रही थी हे कृष्णा
जब से तुमने वृंदावन में जन्म ग्रहण किया है, हैं? ये वृंदावन की स्वर्ग से भी, स्वर्ग से नहीं वैकुंठ से भी, वैकुंठ नहीं अयोध्या मथुरा द्वारका से भी वृंदावन धाम की विशेष विशेष महत्व बढ़ रहा है, जय जयकार हो रहे। लेकिन केवल तुम्हारी जो गोपियाँ हैं, हम तुम्हारी है, हम और किसकी है ही नहीं, इसलिए तुम कृपा करके हमें दर्शन दो। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, बले सरदुदासे साधु जात सत सरसि जोदर श्री मुसादृशा सुरत नाथ ते आसोल कदा सीता बरद निघ्न तो ने हम की बध। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री राजीव गोस्वामी इसको बारे में टीका दे रहे हैं। अगर गोपियाँ कृष्ण से प्रश्न करती हैं, बोले भैया हमने तुमको क्या कष्ट दिया है, क्यों दुखी हो रहे हो, हैं, क्यों दुखी हो रहे हो, तब इसमें उत्तर देते हैं, कहते हैं श्याम सुंदर केवल दुख नहीं, हमें तो जान से तुम मार रहे हो, हमको प्राण से तुम मार रहे हो, हैं, इसलिए केवल ऊपर से दुख देना दुख नहीं, आँखों को द्वारा भी दुख दिया जा सकता है। जैसे आँखों को द्वारा तुमने क्या किया, बोले शरद उदास है साधु जात सत सरस जो धरो श्री मुसादृशा। इसमें कह रहे हैं भगवान की आँख कैसे है, इसलिए माता कुंती कृष्ण को जो स्तुति कर रही हैं वो स्तुति में कहती हैं, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रह। माता कुंती कृष्ण को स्तुति करती है, बोले हे प्रभु भगवान के सारे अंग को उन्होंने कमल को साथ मिला है, कहते इनकी मुख कमल है, इनके नेत्र कमल है, इनकी नाभि कमल है, उनकी हस्त कमल है, उनकी चरण कमल है। बोले ये कमल को साथ में भी उदाहरण दिया, बोले कमल देखने में बड़ा सुंदर, आँखों को बड़ा आनंद देता है, कमल फूल को खिलते हुए देखो आँख देखकर प्रसन्न हो जाता है, एक तो सुंदर है और दूसरा है उसमें बड़ा सुगंध है, कमल में बड़ा सुगंध है, इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारे जो आँख है ना कैसे है, बोले नमो पंकज नेत्राय तुम्हारी जो आँख कमल जैसे, इसलिए कमल का पकड़ जैसे इतना होता है ना मोटा होता है, ऐसे कृष्ण का जो आँख है बहुत मोटी आँख है, हैं, आकर्ण लंबित चक्षु, कभी यहाँ चले कर यहाँ तक कृष्ण का आँख, बड़ी बड़ी कृष्ण की आँखें बड़ी बड़ी आँख है। और जैसे कमल, तब यहाँ पर कह रहे हैं कहते कमल कहाँ खिलता है, बोले सरोवर में कमल खिलता है सरोवर में, लेकिन हे श्याम सुंदर तुमने क्या किया, कमल खिलता है सरोवर में लेकिन तुमने क्या किया, वहाँ की सुंदरता और वहाँ की जो सुगंध ही तुमने वहाँ से भी जो सरोवर में खिलता है वहाँ से भी तुमने हरण करके अपना आँख में बैठा दिया, है आँख में बैठा दिया, इसलिए कहते भैया आँखों के द्वारा भी हैं किसको प्राण दिया जा सकता है, जैसे कहते ना जैसे कृष्ण की जो आँख है जो तेरी से जो चितवन है, बोले तेरी से चितवन नहीं वो तीर है, हाँ ये तीर है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते बोले खबरदार वृंदावन में मत जाओ, हैं अगर भूल से अगर वृंदावन चले गए तो भगवान गोविंद देव मंदिर में तो कोई प्यार नहीं पड़नी चाहिए, अगर कभी गोविंद देव मंदिर में प्यार पड़ गया ना बोले खबरदार इनको मीठी मीठी जो मुस्कराहट है वो मीठी मीठी मुस्कराहट नहीं, कृष्ण ऊपर में तो मीठी मीठी हंसते हैं लेकिन अंदर से चाकू चलाते हैं, हैं वो अंदर से चाकू चलाते हैं, बोले खबरदार उनका जो तेरी चितवन है ना कहते तेरी चितवन जो तीर है अगर एक बार किसके दिल में चुभ गया ना इस पार से उस पार हो जाएगा, हाँ मतलब कृष्ण क्या करेंगे
उनको आंखों में जो तेरी से चितवन है, एक बार अगर किसको देख लिया ना, बस उसका मन प्राण चित्त सब के सब कृष्ण चोरी कर लेते हैं। इसलिए बोले क्या चाल साल अलवे लिए गजराज चले मस्त मस्त। हैं भगवान की जो चाल, उनकी जो देखनी, उनको जो मीठी हंसी बोली, कितनी जादू, कति कुहा का बतली जादू है। हैं अगर उसके चक्कर में एक बार कोई पड़ेगा ना, सब जीवन जाएगा। जैसे तुम लोग ने कृष्ण कथा सुने, बस इस समय कोई लोग सोते होंगे, लेकिन तुम लोग सब छोड़ छाड़ के कथा सुनने के लिए आए, और कभी वृंदावन में चले जाते हो, कभी नवद्वीप चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं श्याम सुंदर, केवल ऊपर से मारना ही मारना नहीं, आँखों को द्वारा भी मारना होता है। तुमने तो आँखों से ही ऐसे हमें देखा, बस न घर की कुत्ता, न घाट की, न बाहर की, न घाट की, न घर की है, तुमने ऐसे हमें कर दिया है। इसलिए हे श्याम सुंदर हैं, इसलिए हम तुम्हारे उन्नत इसलिए कहते हैं सुरत नाथ ते असूल दासिता परत निघ्न तो ने हम की वध। इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर हे सुरत नाथ हैं, जो प्रेम का जो नाथ है, कहते असूल दासिता, बोले हम लोग कौन है, बोले असूल दासिता। असूल दासिका मतलब है बिना पैसा में जिनको खरीद किया जाए, असूल का मतलब बिना पैसा के जो उनको खरीद लिया जाए। कहते तुम्हारे रूप को, तुम्हारे मीठे मीठे हंसी को, तुम्हारी बोली से तुमने क्या किया, हमने ऐसे प्रेम में डाले जो कि हम सबके सब तुम्हारे चरण में संपूर्ण रूप में हमने बीत गए हैं। मतलब तुम्हारी संपूर्ण रूप में हमने तुम्हारी हो गए हैं, ये एक अर्थ है। दूसरा रूप में कहते हैं बोले श्याम सुंदर जो हम लोग है, कहते जो दास होते हैं ना, एक होता है पैसा देकर खरीदी करना, एक होता है बिना पैसा से खरीदी करना। कहते जो हम लोग है, तुमने हमारे साथ में तो शादी किया ही नहीं, हमें तो कोई कपड़ा लेता देता ही नहीं, तुम्हें खाना देते ही नहीं तुमने, हैं। इसलिए हम लोग तो बिना मोल के, हम लोग अपना घर से खाते हैं, घर से पहनते हैं, सब कुछ घर से करते हैं, लेकिन उल्टा तुम्हारी हम सेवा करते हैं, हैं। इसलिए तुम्हारी हम सेवा करते हैं, इसलिए बिना मोल के खरीदी किया हुआ हम दासी है। इसलिए श्याम सुंदर तुम कृपा करके हम दर्शन दो, और दर्शन दे करके हमारे प्राण को तुम रक्षा करो। तब यहाँ पर उसको बाद में श्लोक में कहते हैं बोले विश्व ज्वलात पयात ब्याल राक्षसात बरस मारुता बैदुता नलात ब्रिसमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ ते भय रक्षिता मोहो। कहते हे प्रभु, अगर हमें जान में ऐसे मारना था, अगर ऐसे मारना था तो पहले, जब जब ब्रज में पहले बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन हर विपत्ति से तुमने हमें फिर रक्षा क्यों किया। अगर अभी विरह रूपी अनल में अगर हमें मारना था, फिर तुम रक्षा क्यों किया, पहले तो मर जाते अच्छा रहता। बोले कब कब हमने रक्षा किया, बोले विश्व ज्वलात पयात, बोले जिस समय कृष्ण जो कालियों को हैं, जिस समय ये कालिया ह्रद में कालिया रहता था, पूरा जहर जहर था, हैं। इसलिए उसी समय में जिस समय ब्रजवासी कृष्ण और उनका सखा लोग वहाँ पर गए, और जाते ही वहाँ का पानी तो केवल स्पर्श करते ही सबके सब वहाँ पर प्राण छूट गया, हैं। इसलिए तुमने क्या किया था, पहले कालिया के सर पर तुम चढ़ करके और उसका कालिया नाग को नथ करके दमन करते हुए तुमने वहाँ से भी हमें बचाया था। अगर मारना होता तो उस समय हम मर जाते। उस समय तो तुम्हारी, जब कालिया नाग तुम्हें पकड़ लिया, सबके सब गोपियाँ कृष्ण विरह को देख करके सबके सब जमुना नदी में छलांग लगाने जा रहे थे, बोले नहीं कृष्ण विरह में हम प्राण को नहीं रक्षा करेंगे, हाँ इसलिए हम ये प्राण को हम कालिया हृदय में ही हम छलांग लगाकर प्राण को हम त्याग दे देंगे।
बोले अगर मारना होता तो उस समय तो हम मर जाते, पर वहां से तुमने हमें बचाया किया। बोले एक बार नहीं कत ब्याल राक्षसा, ब्याल राक्षसा मतलब होता है कद श्री जब ब्रज में कद अघासुर आ गया है, जब ब्रज में अघासुर आ गया, अघासुर भी सब कृष्ण के सखा अंदर में सबके सब चले गए थे, तुमने वो अघासुर को भी बध किया है। बोले केवल वहाँ नहीं, बोले वर्ष मार उतार और बई दुता नला, बोले जिस समय इंद्र ने ब्रजवासियों ने जब उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, इंद्र पूजा को बंद करके बोले इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं, पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजा करते, और जितने ब्रजवासी थे जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ और जितने मिठाई बनाए थे सबके सब लेकर गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने पूजा की। पूजा की तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया है, इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। बोले ये साधारण बालक की बात सुन करके ये ब्रजवासी मेरी पूजा बंद करवा दिया, ब्रज को मैं नहीं रोकूंगा, ब्रज को पूरा सत्यानाश कर दूंगा। 19 संवत मेघ 49 पवन और मुसल धारा से बारिश ओले गिरना, मान ब्रज में पूरा पूरा प्रलय आ गया। और उसी समय में कृष्ण ने क्या किया, जब ब्रजवासियों ने कृष्ण शरण में गए, बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है, गिरिराज हमारे लाज रक्षा करेंगे। इसलिए कृष्ण क्या किया, हमने बाम अंग हाथ, बोले बाम अंग नहीं कनिष्ठ अंगुली, बोले कनिष्ठ अंगुली नहीं नख को पर उन्होंने पूरा गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, और उन्होंने सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे सबके सब कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए आनंद में वहाँ पर तो उत्सव कर रहे थे। बोले हे श्याम सुंदर अगर मारना होता तो उसी समय तो हम मर जाते, पर उसी समय हमने तुमको हम लोगों को तुमने रक्षा क्यों किया, मर जाते उस समय, अगर उसी समय अगर तुमने रक्षा किया हो बैतल। बोले बृषभ मयात मजा, कहते जब कृष्ण राधा कुंड जो प्रकट उन्होंने किए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने वृषभासुर वहाँ पर भी आ गया था, वृषभासुर भी वहाँ पर आ गया था, लेकिन उसी समय ने जब वृषभासुर आए और उन्होंने आक्रमण किया गोपियों के ऊपर में, इतने में कृष्ण आगे गए और आगे जा करके उन्होंने क्या किया, वृषभासुर को पकड़ करके उस सिंह को जैसे कपड़ा को निचोड़ देते हैं उसी तरह उन्होंने जो वृषभासुर को उन्होंने उसी समय में बध किया है। जब बध करके उन्होंने फिर राधा कुंड श्याम कुंड को उन्होंने प्रकट किया है, कहते अगर हमको मारना होता जिस समय वो वृषभासुर आया था उस समय में मर ही जाते, फिर तुमको उस समय रक्षा करने का क्या जरूरत था। कहते वृषात मयात मजात, मयात मजात मतलब होता है कहते हैं कल घटना गया चलो इसलिए कहते मय पुत्र कहते एक बोमासुर था, क्योंकि ये बोमासुर भी कृष्ण जब सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा करते समय इतने में कहते ये जो बोमासुर भी आ गया है, बोमासुर आकर के उन्होंने कृष्ण का सारे सखाओं को, जब कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे खेलते 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 उन्होंने एक एक सखाओं को लेकर गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण ने देखा एक एक सखा कहाँ जा रहे हैं, एक के सखा कहाँ जा रहे हैं, इतने में देखा ये बोमासुर ने एक एक सखाओं को लेकर गुफा में एक एक सखा को लेकर बंद कर रहा है। हरे कृष्ण उन्होंने बोमासुर को भी उन्होंने बंद किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्याम सुंदर कत ब्रिशत मयात मजा विश्वत भयात ऋषभते वयम रक्षिता मनु। यहाँ पर कृष्ण को ऋषभ, कृष्ण को ऋषभ बोल करके संबोधन कर रहे हैं। बोले भैया ऋषभ मतलब क्या होता है,
बोले ऋषभ का मतलब होता है जो कि कद जो बड़े बलवान है, जो बड़े शक्तिवान है, हाँ जो बड़े प्रशंसीय है। कहते हे श्याम सुंदर, कहते तुम ऋषभ मतलब जो शरणागत व्यक्ति को रक्षा करने वाले, और तुम बड़े प्रतापी और बड़ा बलवान हो। इसे जो बलवान हो, कहते हैं हे श्याम सुंदर, अभी ये जो विपत्ति है, कौन सा विपत्ति? अभी हमारे ऊपर में तुम्हारी विरह रूपी विपत्ति आई है, इसलिए हमें कृपा करके ये विरह रूपी दुख से हमें दूर करो, और हमारी प्राण को तुम बचाओ। तो उसको बाद में कहते बोले न खलु गोपिका नंदनोद्भवान अखिल देहिनां मंत्रात्मद्री विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सखे उदेवान सात्वताम तुले। यहाँ पर कहते नखल गोपिका, बोले हे श्याम सुंदर, लगता है तुम जसोदा नंदन नहीं हो। क्या तुम जसोदा नंदन होता है ना, फिर तो हमको रक्षा करता। बोले क्यों, तुम जसोदा नंदन क्यों नहीं? कृष्ण का नाम जसोदा नंदन, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम कहते सच्ची नंदन गौर हरि। सच्ची नंदन क्यों कहते हैं? बोले जो सच्ची मैया वो बड़ी दया, सच्ची माँ की हृदय बड़ी कोमल है। कहते माँ की अगर गुण अगर ये बेटा को अंदर में आए ना, माँ की गुण कहते बेटा को अंदर में आए तो बेटे को बड़े सौभाग्यवान मानते हैं। और जो मैया की अगर गुण, अगर मैया अगर बड़ी सहनशीलता, मैया बड़ी सद्गुण संपन्न, कहते बेटे को अंदर में तो कुछ ना कुछ गुण आता। बोले मैया जसोदा, इनका नाम जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस प्रदान करे, सबको जो सम्मान दे। कहते हैं श्याम सुंदर, तुम्हारी अगर तो जसोदा नंदन होता है ना, जसोदा जितने दयालु, जसोदा जितने कृपालु, कम से कम तुम्हारे अंदर में थोड़ी बहुत तो गुण तो आता है ना। लेकिन लगता है तुम जसोदा नंदन नहीं हो, तुम जसोदा नंदन नहीं हो। तुम जसोदा नंदन होता तो हमें जरूर रक्षा करता। इसलिए नखलु गोपिका, और दूसरा अर्थ क्या कहते हैं? दूसरा अर्थ कहते देखो मैया जसोदा बड़ी दया, बड़ी कृपालु जसोदा, तुम उसका बेटे हो। अरे मैया का तो कुछ गुण तुम्हारे अंदर में है, अगर तुम्हारे अंदर में ये मैया तो बड़े दयालु, अगर दयालु मैया दयालु, अभी तुम्हारी विरह में हम तड़फड़ा रहे हैं, फिर हमें तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? हमें दर्शन दो, हमारे ऊपर कृपा तो करो। इसलिए बोलते नखल गोपिका नंदन भगवान बोले अखिल देहिना मंत्रात्मत्री। कहते तुम कौन हो? बोले जगत में जितने जीव है, अखिल जो जीव है, कहते हैं हमारी, कहते जो हृदय में, कहते एक वृक्ष है, कहते एक वृक्ष में दो टहनियां हैं, कहते दो टहनियां में इसमें दो चिड़िया बैठे हुई। कहते एक चिड़िया तो खट्टा मीठा फल खाता है, जो और एक जो चिड़िया है वो केवल साखी रूप में दर्शन करता है। कहते ये खट्टा मीठा फल को कौन खा रहे हैं? बोले जी, कभी दुखी हो रहे, कभी सुखी हो रहे, कभी दुखी कभी सुखी, हैं कभी दुखी कभी सुखी होते हैं। लेकिन और एक चिड़िया जो केवल साखी रूप में दर्शन कर रहा है, कहते वो कौन है? कहते ये परमात्मा, जो परमात्मा, कहते ये जो सुख दुख जो जीव भोग करता है, जो परमात्मा, इसको कोई सुख दुख नहीं है, वो सबसे अलग है, वो तटस्थ रूप में है। कहते वो तटस्थ रूप में है, इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले हे श्याम सुंदर अखिल देही नाम अंतरात्माद्री। कहते जितने सारे जीव है, कहते तुम कौन हो? सभी का जीव हृदय में, अंतरात्मा में तुम परमात्मा रूप में तुम विद्यमान हो। कहते जो परमात्मा जैसे किसी चीज इन्वॉल्व नहीं होता है, लगता है तुम वैसे ही है, तुम हमारे दुख को देख करके भी हमारे दुख को तुम देख नहीं रहे हो, है हमारी देख दुख को देख नहीं रहे हो। कहते फिर कहते हैं लगता है विखन सारथी तो विश्वगुप्त है। कहते हैं दूसरा अर्थ में कहते हैं बोले हे श्याम सुंदर, हमें तुमको देख, हमको तुमको देखनी चाहिए, हमें तुमको देख, हमको तुमको देखनी चाहिए। बोले क्यों?
बोले भिक्षा न सार थी तो बोले जगत में तुम आए क्यों, जगत में तुम आए क्यों? इसलिए तुमने गीता में खुद बोला है ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि, तुमने गीता में खुद बोले। इसलिए इसी जगत में मैं आता हूँ, जब जब जगत में हैं प्रतिजता, वेद में, ब्राह्मण में, गो स्त्रियों के ऊपर जब अत्याचार होता है, भगवान कहते हैं मैं तब तब जगत में आकर के दुष्टों का विनाश करता हूँ और संतों का मैं पालन करता हूँ। इसलिए तो आप आते हो ना जगत में। बोले बिखन सारती, तो बिखन समझते हो तो ब्रह्मा, जब जिस समय हैं जिस समय पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होती, पृथ्वी बड़ी दुखी थी, तो ये पृथ्वी ब्रह्मा शंकर और जितने इंद्र चंद्र सारे देवता कहाँ पर खीर समुद्र के पास में गए और भगवान को पुरुष सुप्त मंत्र से भगवान को प्रार्थना किया। प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, बोले हे ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी दुख को मैं जान लिया है, कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। आप ही तो बताया था, तभी तो आप जगत में आए हो। जब अगर ब्रह्मा की प्रार्थना पर क्यों आए हो, बोले परित्राण है साधु ना, कहते साधुओं को परित्राण करने के लिए। बोले साधुओं का परित्राण क्या करोगे, साधु तो हर समय मुक्त ही है। कहते साधुओं को जो उद्धार करने आते, बोले साधुओं क्या उद्धार करोगे, साधु हर समय मुक्त है, उनका अंदर में कोई दुख नहीं है। बोले फिर कौन सा कारण से साधुओं का कौन सा दुख देकर आते हैं, बोले विरह, उनके विरह, जैसे उनको भक्त लोग कृष्ण विरह में जो तड़फड़ा रहे हैं, हे श्याम सुंदर कब आकर कृपा करोगे, कब हमें दर्शन दोगे, इसलिए उनका दर्शन रूपी जो विरह को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है हे श्याम सुंदर हम अभी भी तुम्हारी हैं, अभी तुम्हारी विरह दुख में अभी हम बहुत दुखी है, इसलिए हे श्याम सुंदर आप कृपा करके आओ और आ करके हमें दर्शन दो और दर्शन दे करके विरह दुख को तो दूर करो। बोले बिखन सार की तो विश्व को कहे सखे उदयवान सात्वताम कुले, इसलिए गोपियाँ उनको सखा गए हैं, कहते तुम हमारे कौन हो, बोले तुम हमारी सखा हो, इसलिए तुमने जन्म कहाँ लिया, बोले सात्वत कुले हैं, तुमने जिस कुल में जन्म ग्रहण किया ना बड़े उच्च कुल में तुमने जन्म ग्रहण किया हो, इसलिए जो उच्च कुल में तुमने जन्म ग्रहण किए हो भैया, कहते हम लोगों को जो हम तुम्हारी विरह रूपी दुख में हम जो तड़फड़ा रहे हैं हमें कृपा करके यहाँ से आप निकालो, कहते ये एक अर्थ है। और कभी कभी गोपियाँ ये भी कहती हैं, कहते देखो इसलिए तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हो, बोले क्यों, इसलिए बोले ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप तुम आए हो, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तभी आए। कहते ये ब्रह्मा कौन है, बोले ब्रह्मा ये जगत को सृष्टि करने वाले, जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, हर व्यक्ति चाहता है अपना काम कंटिन्यू रहे, जैसे तुम लोग नौकरी करते हो, चाहते हो कि नहीं हमारी नौकरी कंटिन्यू रहे, कोई चाहते नौकरी छूट जाए फिर हीरो कहाँ से आएगा, फिर हीरो कहाँ से आएगी, इसलिए कोई नहीं चाहते हमारा बिजनेस खत्म हो जाए, सब चाहते अपना बिजनेस रहे। ब्रह्मा का क्या बिजनेस है, बोले सृष्टि करना, ब्रह्मा का बिजनेस है सृष्टि करना हैं, इसलिए सृष्टि करना बिजनेस। इसलिए अगर जीव कृष्ण को दर्शन करते हैं फिर क्या बताएं, बोले कृष्ण दर्शन करते जीव भव बंधन से मुक्त होकर के हैं क्या करते हैं, भगवान के पास में ठाकुर के पास में चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा नन गतन्ते तद्धाम परम, हे अर्जुन एक बार अगर मेरे धाम में कोई आए ना तो जगत में पुनर्जन्म न विद्यते, जगत में पुनर्जन्म नहीं होता, चिरकाल के लिए मेरे पास में। लगता है ब्रह्मा की प्रार्थना से अब आए ना, ब्रह्मा की ब्रह्मा का काम सृष्टि करना, तो ब्रह्मा की काम सृष्टि करना, इसलिए इसलिए शायद अब हम कृपा कर हमको दर्शन नहीं दे रहे हो, शायद हमें दर्शन देने पर क्या होगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर से हमारी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगा, ब्रह्मा का बिजनेस खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा का बिजनेस खत्म हो जाएगी, इसलिए शायद आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। लेकिन हे श्याम सुंदर आप तो बड़ी
उच्च कुल में सप्तत कुल में जन्म ग्रहण किए हो, तुम तो जसोदा की नंदन हो। जसोदा में जो गुण है, जसोदा मैया बड़ी दयालु बड़ी कृपालु जसोदा, इसलिए और तुम इस तो बच्चे बेटा हो, बेटा होने का नाते मैया का कुछ गुण तो बेटे में होनी चाहिए ना। जब वो सबको जसोदा जब सबको जस देती हैं, इसलिए जय श्याम सुंदर एक बार प्रकट होकर के हमें दर्शन दो, और तुम्हारी विरह में हम जो तड़फड़ा रहे हैं तो विरह दुख हमें निकालो। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो हमने जो बात बताई ना यहाँ पर तो बहुत बहुत कुछ बात बताई, एक एक श्लोक की कितने अलग अलग अर्थ किया है, लेकिन उसको जब डायरेक्ट देख करके पढ़ करके एक भी चीज़ को बोलो ना तब तो बढ़िया होता है, लेकिन हम जितना याद रहा उतना बोलते हैं। ठीक है पिताई गौर प्रेमानंदे, अभी टाइम कितना हो गया? 8:50 अभी तो आप लोग अपना काम में जाओ, फिर कल लेना प्रभु बात कर लेते हैं। हाँ ये सुना, इसका अंदर में जितना किलो ज़्यादा होगा ना उतना चार्ज आओगे। हाँ जी हाँ जी, किलो पता है ना कितना? अभी अभी दोबारा चेक कर, कितना चेक कर रहा हूँ, बैटरी लो हो गई, इसकी बैटरी लो हो गई, चेक कर रहा हूँ बैटरी लो हो गई।